खुदा ने ये वादा नहीं किया कि हमारी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाए, और खुदा ने ये भी वादा नहीं किया कि हमारी लाइफ में गम ही गम हो। आप किसी सीनियर के साथ काम करते हो या किसी सीनियर डॉक्टर के साथ, तो आप अचानक अदब में आते हो और एहतराम में आते हो, तो जब भी आप किसी से बात करते हो तो आप में वो चेंजेस आ जाती है, जैसे कि मैं कुछ बयान इजहार करने वाला था। जहाँ पर धूप है वहाँ पर साया भी है, और यही एक जर्नी है एक इंसान की। इन चीज़ों पर ज़्यादातर फोकस नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ हम डिप्रेशन या कोई भी साइकेट्रिक जो डिजीज़ है उनसे हम सफ़र कर सकते हैं। High confidence all the time, keep it up. Yeah, I like it. Thank you, thank you so much. Hello, assalamu alaikum. कल हमारा रिज़ल्ट आउट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हम पास हो गए, तो इसी के साथ हम आपको अपनी फेयरवेल पार्टी दिखाएंगे। इस इनविटेशन फॉर फेयरवेल पार्टी। यार अच्छे से खोलो, कैमरा चल रहा है। You have this world, need some space for me. I'm out here, girl. With you, really got time to fuss and fight no more. Why you tripping, baby? You know you invited. Acting like you know what's up, but you ain't psychic. Better ये है कि इंसान अपनी प्रेजेंट लाइफ पे फोकस करना चाहिए, जहाँ मतलब जो आपका डेली रूटीन है वो करना चाहिए। फ्यूचर तो अल्लाह ताला ने बनाना है, फ्यूचर वही डिसाइड करेगा, बस हमें मेहनत करनी चाहिए और एक ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। ये हमारे पे डिपेंड है, बाकी रिजिक देने वाला अल्लाह है। तो कल मैं वीडियो बनाने लगा था कि मेरा जो फ़ोन है वो मेमोरी फुल दिखाने लगा, तो मैंने सोचा ये मेमोरी फुल क्यों आ रही है, तो मैंने फ़ोन चेक किया, नॉर्मल सी बात थी, तो इसमें काफ़ी डाटा बढ़ा था। एक्चुअली जब मैं पास आउट हुआ था सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेज से, तो हमारी एक वहाँ पर अलविदा पार्टी हुई थी, फेयरवेल पार्टी, तो उस टाइम हमने कुछ सीन्स क्रिएट किए थे, आई मीन कि मैंने वीडियो क्लिप्स बनाए थे, तो मैंने सोचा वो हम पहले अपलोड करेंगे, उसके बाद हम फर्दर ज़िंदगी का मुस्तकबिल के बारे में हम बात करें। अभी जो हाल ही एंड माजी में हुआ अभी हम वो बताएँगे। जो मेरे क्लासमेट थे, हमने मॉडलिंग की थी उस टाइम, क्योंकि मॉडलिंग कंपलसरी है, तो हमने भी की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिस्टर हेयरवेल बना था। पल थे, और जब हमारा जाने का टाइम था, हमारा उस टाइम लास्ट पेपर था, तो जो मेरे फ्रेंड थे उन्होंने कुछ शर्ट पे नाम वगैरह लिख लिए, अपनी बेस्ट मेमोरीज लिख लिए, किसका क्या माइंडसेट था उस टाइम और किसने किस चीज़ से ऑब्ज़र्व हमें किया है, तो उन्होंने वो लिखा, तो मैंने सोचा वो आप लोगों तक पहुँचाए, बाकी अल्लाह रहम करेगा। और उसके साथ जो हमने उस अलविदा पार्टी पे एंड में जो हमने सीन बनाए थे वो भी हम आपको दिखाएँगे। नंबर टू, माय जिम पार्टनर, बॉडी थोड़ी लूज हो गई जब से एग्जाम से, वेट लॉस थेरेपी। यार बॉडी बाया, मैं तेरा लिख दिया। ओह माय गॉड, हिजाब। हाई कॉन्फिडेंस ऑल द टाइम, कीप इट अप, आई लाइक इट। थैंक यू, थैंक यू सो मच। दुबी हमारी जान, एंड व्हाट इज इट, मैं छुपा रुस्तम, मैं नहीं छुपा।